14 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िएगा। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरुद्ध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हिवास से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े तो वे इस बात को जान गए और लुकानिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। या जब अंदाकिया के फिसिदिया के अंदाकिया में जब इनका विरोध हो गया, उनको सीमा से बाहर कर दिया, तो वे वहाँ से यात्राएं करके इकुनियुम में आ गया। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। इकुनियुम में आकर पौलुस और बरनबास कुछ समय तक प्रभु की सेवा करता रहा और वहाँ एक बड़ी भीड़ प्रभु में आ गए। उसमें यहूदियों और अन्य जातियों, यूनानी मतलब अन्य जाति, वो दोनों में से बहुतों ने क्या किया है, विश्वास किया। पौलुस अन्य जगहों में जैसा किया वैसा इकुनियुम में भी जाकर पहले यहूदियों के पास गए होंगे, उसके बाद अन्य जातियों के पास भी सुसमाचार सुनाया, तो वहाँ इन दोनों ग्रुप से यूनानी और यहूदी दोनों में से लोग प्रभु में आए। परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उसकाए और कटुता उत्पन्न कर दी। अब उस शहर में यहूदी भी है, अन्य जाति भी है, अर्थात यूनानी भी है। दोनों ग्रुप से लोग जब प्रभु में आए हैं तो यहूदी लोग क्या किया, उस शहर में पाए जाने वाली यूनानियों को उसकाया, क्योंकि केवल यहूदी में से नहीं यूनानी में से भी कई लोग कहाँ आ रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं। यूनानी मतलब वे भी अन्य जाति लोग हैं, अन्य आराधना करने वाले हैं, उनका भी आराधना का विधि और आराधना का धर्म यह सब पाए जाते हैं। वहाँ से जब लोग प्रभु में आए हैं तो उनके लोग जो अभी प्रभु में नहीं आया उनको उसकाया, यह बोला होगा ऐसा इन लोगों को प्रचार करने देगा तो तुम्हारा पूरा जाति किस में आएगा, इन लोगों के पीछे आ जाएगा। ये कहकर यहूदी वहाँ के यूनानी जो प्रभु में नहीं आया उनको उसकाया और कटुता उत्पन्न हुआ करती है, इसका मतलब वहाँ विरोध शुरू कर दिया। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। वे लोग अभी तक जहाँ कहीं भी सेवा किए उससे बढ़कर थोड़ा ज़्यादा दिन यहाँ रहा, इसलिए वो बहुत दिन तक वहाँ रहा बोल रहे हैं। और जब वे वहाँ सेवा किया वहाँ परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट किया, कैसे, वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। पौलुस और बरनबास जो वचन बोलते थे अनुग्रह का वचन है, सुसमाचार की विशेषता ही यही है, वह अनुग्रह का वचन है। हेलो, सुसमाचार की विशेषता क्या है, अनुग्रह का वचन है। क्यों अनुग्रह का वचन है सुसमाचार, क्योंकि एक व्यक्ति को मिलने वाली सबसे बड़ी अनुग्रह कोई भौतिक आशीष नहीं है, एक व्यक्ति को मिलने वाली सबसे बड़ी आशीष उनका पाप की क्षमा है, जिसके द्वारा अनंत काल का जीवन का वारिस हो जाए।
और वह केवल सुसमाचार से मिलता है। इसलिए यह कौन सा है? अनुग्रह का वचन है। मेरी बात को समझ रहे क्या? अनुग्रह का वचन सुसमाचार का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति को मिलने वाला सबसे बड़ा अनुग्रह कोई भौतिक और शारीरिक और आर्थिक आशीष नहीं है। सबसे बड़ा आशीष जो एक व्यक्ति को जो अनुग्रह मिलता है वो उनकी पाप की क्षमा है, जिसके द्वारा वो स्वर्ग राज्य का वारिस होते हैं। वो केवल सुसमाचार से मिलती है। इसलिए सुसमाचार अनुग्रह का वचन है। और वे लोग जब अनुग्रह का वचन बताया तो परमेश्वर ने गवाही दिया। किस बात के लिए? वे लोग जो बोल रहे वो क्या है? सच है। कैसे? कैसे? चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय इसका 4 पद से लेकर प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है। एक बार पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 4 पद से पढ़िएगा। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इनकी गवाही देता रहा। या जब वहाँ भी वही बात है, यीशु मसीह के द्वारा कही गई वचन जो प्रेरित लोग या सेवक लोग कहा करते थे वो सच है। इस बात के लिए प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर गवाही देता था। कैसे गवाही देता था? चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा पिता परमेश्वर गवाही देता था कि वे जो कह रहे हैं वो सच है। आज भी प्रभु ऐसा करता है। यदि आप परमेश्वर का वचन प्रचार करें वो वचन सच है। ये बात परमेश्वर प्रमाणित करता ऐसा है कि आपके द्वारा प्रभु आश्चर्य काम करवाएगा, नाना प्रकार के सामर्थ का काम करेंगे। जब वे लोग इकनियों में पहुंचा तो परमेश्वर यही काम किया। वे अनुग्रह का वचन सुनाता गया, वह सच है और वह परमेश्वर की ओर से है। यह बात प्रमाणित करने के लिए प्रभु ने क्या किया? चिन्ह और अद्भुत काम किए। 4 पद। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातीय और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगर में और आसपास के प्रदेश में भाग गए। वे बहुत दिन तक ये वहाँ रहा, सुसमाचार सुनाया, प्रभु आश्चर्य कर्म अचंभे का काम किया जरूर, लेकिन विरोध बढ़ता गया। उस नगर के लोग 2 भागों में हो गया। वहाँ कुछ यहूदी लोग प्रेरितों का विरोध किया। अब वहाँ 2 ग्रुप है, एक यहूदी दूसरा कौन? प्रेरित। तो वहाँ के लोग भी 2 ग्रुप हो गया। कुछ लोग किसके पक्ष में? किसके पक्ष में? यहूदियों के पक्ष में। कुछ लोग किसके पक्ष में? प्रेरितों के पक्ष में। अब ऐसा हो गया जो यहूदियों के पक्ष में हैं वे लोग ऐसा षड्यंत्र रचाया कि इन लोगों को पत्थरवा करके क्या करें? मार डालें। जब उनको मालूम हो गया कि ऐसा होने वाला है तो वे वहाँ से भागा, दर्बे और लुस्त्रा क्षेत्रों में वे भाग कर गया ताकि वे वहाँ उनके पत्थरवा करके मरने से बच जाए। इसे लिखा है वे लुकाउनिया के लुस्त्रा और दर्बे नगरों में आस पास के प्रदेशों में भाग गए और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। जब एक जगह पर विरोध अधिक हुआ और उनको मालूम हो गया कि उन पर पथराव किए जाएंगे तब वे उस नगर को छोड़कर अन्य नगरों में गए। अब कई जगह पर हम देखते हैं कि वे जब विरोध होते हैं तो वहाँ से भागता नहीं, मार खाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर वे क्या करते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं।
इकुनियम में वैसे वे लोग भागा क्यों? वो इसलिए भागा है, वहाँ आकर बहुत दिन हो चुका है, नहीं है? बहुत दिन से वे क्या कर रहे, वहाँ सुसमाचार सुना रहे और लोग प्रभु में आया, और इनके पक्ष देने के लिए भी वहाँ एक भीड़ हो गया, नहीं है? नगर का लोग जो है दो भागों में बट गया, इनके पक्ष देने के लिए भी एक बड़ी भीड़ वहाँ हो गया। अब इनके ऊपर हम जब हमला होने के लिए प्रयास हो रही है तब जा रहा, तो वे लोग वहाँ नहीं रुका, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि जो सुसमाचार वहाँ सुनाना चाहिए था वो सुना चुका है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वहाँ रहा। लेकिन वे लोग कई जगह से भागा नहीं, जहाँ पहुँचने के बाद तुरंत उनके ऊपर हमला हुआ या विरोध हुआ है, तो वे लोग और भी वहाँ रहने की कोशिश किया, तो कई बार उनके ऊपर हमला भी हुआ है। तो जब इकुनियुम में इनका विरोध हो गया और नगर दो भाग हो गए, तो वे वहाँ से आगे निकलकर लुस्त्रा और नगरों में, लुस्त्रा और दर्बे के नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। उतना ही नहीं, वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। आगे पढ़िए 8 पद से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देख कर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया। या लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी नहीं चला। पौलुस और पत्रस और यूहन्ना के द्वारा मंदिर जाते समय जैसा एक लंगड़े चंगे किए गए, उसके समान एक घटना यहाँ लुस्त्रा में हो रहा है। पौलुस बरनबास जब लुस्त्रा में पहुँचा, तो वहाँ लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी नहीं चला। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, तो पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। वहाँ लिखा है, उसने पौलुस को देखा, क्या करते हुए देखा? बातें करते हुए। इसका मतलब पौलुस क्या कर रहा था? पौलुस क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था या बात कर रहा था? प्रचार कर रहा था या बात कर रहा था?
प्रचार नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था। मूल भाषा में उसका शब्दार्थ में यह कहा गया है, पौलुस वो एक बाजार था, पौलुस वो बाजार में जाकर बैठा था। पौलुस की विशेषता यह क्या है, भीड़ में भी प्रचार करेगा, एक आदमी को अकेला मिले तो भी क्या करेगा, प्रचार करेगा। तो बाजार में जाकर वो बैठा और किसी से वो बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था, पौलुस बात करेगा तो वो सुसमाचार की बात ही करता है। पौलुस एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो ये लंगड़ा क्या कर रहा था, सुन रहा था। बात किससे कर रहा था, और किसी से था। हेलो, वहां पौलुस उस जगह पर एक बड़ी भीड़ को संबोधित नहीं कर रहा था। मूल भाषा में लिखे गए शब्दों के आधार पर विद्वानों का अभिप्राय है, पौलुस उस बाजार में किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहा था। लेकिन पौलुस एक व्यक्ति को बोल रहा है तो उद्देश्य क्या है मालूम, वो नहीं आसपास जितना है सब सुने, तो कैसे बोलेगा, जोर से बोलेगा। तो वो बातें कर रहा था तो एक लंगड़ा क्या कर रहा था, सुन रहा था। तो पौलुस ने देखा उस पर उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। इसका मतलब उसको कैसे विश्वास हो गया मैं चंगा हो सकता हूं, उसको कैसे विश्वास हो गया कि मैं चंगा हो सकता हूं। तो पौलुस क्या बोल रहा था, यीशु मसीह पर विश्वास करने से लोग क्या हो जाता है, वो भी बोला, वो सुसमाचार में वो भी है। हेलो, सुसमाचार में यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली आशीष का भी वर्णन है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से स्वर्ग जाएगा वो ही नहीं, यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाकर उसका संतान बन जाए तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा, तुम बीमार है तो चंगाई मिलेगा, ये बातें भी हैं। तो पौलुस उस व्यक्ति से जिनसे बात कर रहा था वो ये बात भी बोल रहा था। तो पौलुस बात करता तो जोर से ही बोलता है ताकि आसपास के लोग भी क्या करें, सुने। तो ये लंगड़ा क्या कर रहा था, ध्यान से सुन रहा था। बीच में पौलुस ने देखा जिसको मैं प्रचार कर रहा हूं उससे ज्यादा विश्वास किसको है, वो जो लंगड़ा है उसके अंदर है। समझ रहे मेरी बात, पौलुस उनसे बात नहीं कर रहा था, पौलुस और किसी से बात कर रहा था, लेकिन सुनने वाला एक लंगड़ा बैठा था उसके अंदर क्या आ गया। और विश्वास सह करके कैसे मालूम, देखने से पता चला पौलुस को इसके अंदर क्या है, विश्वास है। हमारा विश्वास हमारे चेहरे पर प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पौलुस ये बातें सुसमाचार बोला, यीशु मसीह पर विश्वास करने से चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिले, हो सकता है पौलुस है पिछले दिनों में प्रभु उनके द्वारा जो काम किया था, किया नहीं, किया किया है या नहीं, इकनियम में भी बहुत चिन्ह और चमत्कार हुआ है कि नहीं, उसका भी कुछ जिक्र कर रहा था होगा। लेकिन ये सारी बातें सुन सुनकर ये लंगड़े के अंदर क्या आया, विश्वास आया। तो पौलुस ने देखा उसके अंदर क्या है, विश्वास है। तो पौलुस ने क्या किया, उस पर टक टक्की लगा कर देखा और उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। दसवां पद, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, वह उछल कर चलने फिरने लगा। पौलुस उसकी ओर देखकर टक टकी लगा कर देखा तो उसके अंदर क्या है, विश्वास है। तो पौलुस सीधा ऊंचे शब्द से बोला, क्या ऊंचे से शब्द से बोला, वो बहरा है क्या, नहीं है, इसलिए ऊंचे शब्द से बोला बाकी लोग भी सुने। ऊंचे शब्द से बोला तो अपने पांव पर क्या हो जाओ, सीधा खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया क्या, वो खड़ा नहीं हुआ, खड़ा हुआ है क्या, है वो खड़ा नहीं हुआ, वहां क्या लिखा है, वो उछल कर चलने फिरने लगा। पौलुस बोला क्या है, तू अपने पाँव में क्या हो जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ। लेकिन वो क्या किया,
उछल कर चलने फिरने लगा। देखो ऐसा क्यों हुआ मालूम, एक प्रकार से ये इस शब्द का इंतजार कर रहा था, ये कब बोलेगा उठने के लिए, कौन लंगड़ा इस बात का इंतजार कर रहा था, यह मुझसे कब बोलेगा उठने के लिए, उसका इंतजार कर ही रहा था। इसके बीच में ऊंचे शब्द से बोला क्या हो जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ। उसको खड़ा क्यों, वो उठने के लिए पहले से तैयारी के साथ बैठा था, वो क्या हो गया उछल कर फिर क्या करने लगा, चलने फिरने लगा। पौलुस बोला था कि चले फिर करके नहीं है, पौलुस क्या बोला, सीधा खड़े हो जाए। यही है विश्वास का परिणाम। यदि हमारे अंदर है विश्वास, जो अभी तक नहीं हुआ वो हो जाएगा। इसकी विशेषता जिंदगी में कभी नहीं चला है, जन्म से कौन है वो लगड़ा है। लेकिन पौलुस के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान से सुना और उसके अंदर विश्वास आया, और विश्वास जिसके अंदर है उसको देखकर जब पौलुस ने कहा तो वो क्या हो गया, उछल कर चलने फिरने लगा, क्योंकि वो विश्वास उनके जीवन में चंगाई लाया। 11वां पद, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकवनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। हेलो, पौलुस के द्वारा एक आश्चर्य कर्म हो गया तो वे लोग क्या सोचा, ये कौन आया अभी हमारे बीच में, देवता उतर आया है। एक दोनों को एक एक नाम भी दे दिया। हेलो, क्यों, क्योंकि उस लुस्त्रा में जो मंदिर था उस मंदिर का देवता था वे, और वे लोग ये लोग वो देवता है करके उनको नाम भी दे दिया। उसके बाद क्या किया मालूम, इन लोगों के लिए फूल वाला लाया और इनके लिए क्या करने लगा, बलि चढ़ाने लगा। क्या है, उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को जो हिर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। इसका मतलब अभी तक बात कौन करता था, पौलुस। निकलते वक्त तो मुख्य कौन था, बरनबास था, पहले बरनबास था, अभी कौन मुख्य हो गया, क्योंकि बात ज़्यादा कौन कर रहा है, बात मतलब पड़ोसी का बात नहीं, वचन बोल रहा था वो कौन करता था, पौलुस। इसलिए उसको हिर्मेस नाम रखा, और बरनबास को क्या नाम दिया, क्योंकि वो दोनों उस वहाँ का उस शहर का मंदिर का देवता लोग थे, इसलिए उनको वो नाम दिया। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे। हेलो, दोनों को एक एक नाम भी दे दिया, क्योंकि वहाँ उसका मंदिर है, और उसके लिए क्या लाया, फूल भी लाया और क्या भी लाया, बैल भी लाया। फूल काहे के लिए, उनको चढ़ाने के लिए, बैल काहे के लिए, उनके लिए बलि चढ़ाने। यानी इतना तुरंत कैसे क्यों किया, थोड़ा सोचा भी नहीं, जल्दी क्या कर दिया, लाया क्यों। उनके बीच में एक कहानी पाए जाते थे, उनका यही ईश्वर ये देवता एक बार आया था कहां पर, वो नगर में लुस्त्रा में आया था, लेकिन लुस्त्रा के लोग उसको क्या नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया, तब वे लोग श्राप देकर चला गया था, कौन, उनके देवता लोग। मेरी बात को समझ रहे हैं, उनके देवता लोग एक बार उतर आया था तो वे लोग वहां के लोग उसको क्या नहीं कर पाया था,
पहचान नहीं पाया, तो उसको क्या देकर चले गया था? श्राप देकर चले गया। तो उनको लगा वही लोग वापस आया है, क्योंकि क्या किया अभी, जन्म से लंगड़ा क्या हो गया, चंगा हो गया। तो ये लोग वापस जाने से पहले इनके लिए क्या करें, बलि चढ़ाएं, ताकि ये हमें क्या दें, आशीर्वाद दें। इसलिए इतना जल्दी बैल को भी ले आया और क्या भी लाया, फूल को भी चलाया। जब पौलुस और बरनबास को ये बात मालूम हो गया, वे अपना कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़े मतलब ओवर कोट को फाड़ दिया, ताकि लोगों को पहचान, लोग पहचान लें कि वे इसका विरोध कर रहा है, और उनके बीच में लपक लिया। वे लोग जो काम करने जा रहे हैं उसको किसी न किसी रूप में रोकना है, क्योंकि वे लोग जो करने जा रहे हैं ना, बड़ा काम है। अरे मान लीजिए ये लोग उसको नहीं रोकेगा तो क्या होगा मालूम है, कीड़ा पड़कर मर जाएगा। नहीं समझा? यदि पौलुस और बरनबास इनको इस काम करने से रोका नहीं, ठीक है ना, एक तो फूल है ना, ठीक है ना, एक बैल तो मिल रहा है ना, होने दो ना, आजकल के पादरी हो तो पक्का करेगा। हेलो, देवता सोचें, कोई भी सोचे, हमको लोग कुछ जाने ये उद्देश्य से। लेकिन पौलुस और बरनबास को लिए तैयार नहीं था, क्यों? क्योंकि उनको वो मालूम है परमेश्वर को महिमा ना देने वाले हेरोदा राजा होने के बाद भी उसको क्या किया था, मारा, कीड़ा पड़कर क्या हो गया, मर गए। ये हालत ना हो, आदर महिमा केवल किसको मिले, परमेश्वर को मिले। यदि वो लंगड़ा चंगा हो गया है, पौलुस का कहना मेरे कहने पर वो चंगा नहीं हुआ, कहा जरूर मैं हूं लेकिन काम परमेश्वर किया है, तो आदर महिमा उसको मिलना चाहिए। इसलिए वे लोग इनके लिए जब बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, पौलुस और बरनबास उनके बीच में लपका और उनको रोका। पदरवा पद पुकार कर कहने लगा, हे लोगों, तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो। देखिए पौलुस वहां उनसे जो कह रहा है, देखिए, तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। पत्रस जब कुरनेलियुस के घर में पहुंचा, कुरनेलियुस भी क्या किया था, उसके पाँव पर गिर का क्या कर दिया, दंडवत किया। तो पत्रस उसको उठाकर क्या बोला, भाई मैं भी कौन हूँ, मनुष्य हूँ। वही काम पौलुस और बरनबास यहाँ कर रहे हैं, उन लोगों को बोला हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। इसका मतलब हम कोई देवता नहीं है, हम केवल मनुष्य है तुम्हारे समान, तुम और हम में कोई फर्क है ही नहीं। लेकिन उसके बाद और उनको एक चेतावनी दी, एक बात बोला, क्या बोला, हम भी तुम्हारे समान दुख और सुख मनुष्य भोगी है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। हमारा काम क्या है, तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरे। किससे अलग होना, हेलो, किससे अलग होना, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, और से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, ताली बजाकर बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। या क्या करें, इन इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग है। कौन सा है व्यर्थ वस्तु, है ये व्यर्थ वस्तु मतलब ये फूल, यह बैल और यह बलिदान, यह सब क्या है, व्यर्थ है। उससे अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर
फिरो, कहने का मतलब क्या है? तुम लोग जो कह रहे हो वो कौन नहीं है? जीवित नहीं है कौन? ये जो ज्यूस, ज्यूस जो है, हर्मेस जो है, जुपिटर और मरकुरी उनका देवता है, कह रहा वो कौन नहीं है? जीवित ईश्वर नहीं है? जीवित ईश्वर वही है जिसका प्रचार हम करते हैं, उसकी ओर फिरो। कह रहे ये पूरा व्यर्थ है। हेलो, ये पूरा व्यर्थ है। चलो, कुछ लोग पूछते हैं थोड़ा फूल चढ़ाने से क्या दिक्कत है? कई लोग फूल चढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम से। नहीं समझा। कई लोग नारियल फोड़ते किसके नाम से? एक ऑफिसर एक बार कहा, उनका ऑफिस में एक नया यूनिट बना दिया और उनको उद्घाटन करना था, यही नहीं कोई करना था क्योंकि ऑफिसर है। वो किसी को बोला, सब तैयारी करके रखा, आखिर में क्या फोड़ना चाहिए? नारियल फोड़ना चाहिए, क्या करें? ऑफिसर बोला, बोलता है मैंने नारियल उठाया, नीचे पटक दिया, लेकिन बोला किसके नाम से? यीशु के नाम से। वो जल्दी बोला है ताकि कोई ना सुने। यह सब बहाना है। हेलो, यह सब बहाना है। बोलना चाहिए मैं तो नहीं करूंगा। हेलो, बोलना चाहिए मैं तो नहीं करूंगा, करूंगा तो मेरा बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके करूंगा। नहीं समझा? नहीं तो किसी से करवा दो। यही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई समझौता नहीं है, है ही नहीं है समझौता। समझौता करेगा वहां नहीं पहुंचेगा। दूसरे का करवा तो मतलब वो नहीं कर रहा हूं मैं इनका उदाहरण ये बताया है कि वो उनका ऑफिसर होने के कारण उनको करना चाहिए, तो उनको यह कहना चाहिए था मैं तो करूंगा तो मेरा हिसाब से करूंगा, मेरा सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके करूंगा, और आप लोगों को करना है तो दूसरा किसी से करवा दो, क्योंकि वो सरकार का काम है। वहां उनको क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा नौकरी जाएगा उतना है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। परमेश्वर कई बार हमें परखता है। नहीं समझा? हेलो, परमेश्वर कई बार हमें क्या करता है? परखता है। परमेश्वर आदम को परखा था नहीं है क्या? कैसे है? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने बोला आदम का अच्छा रहना अच्छा नहीं है, उसके बाद उसको क्या चाहिए है? उसका एक सहायक चाहिए। सहायक चाहिए बोलने के बाद प्रभु ने क्या किया? उससे पहले सारे जानवर को बनाया था ना, बोला इनके सामने से जाने दे, ये सब एक एक को जाने दिया। किस लिए जाने दिया? ताकि इन जानवरों में से एक को वो अपने लिए जीवन साथी के रूप में चुनेगा या नहीं, ये जानने के लिए। ये सबको देखा, सबको नाम भी दे दिया, जितने जीव जंतु तो सबको नाम किसने दिया? आदम को दिया। लेकिन उसने उसमें से एक को भी क्या नहीं किया? नहीं चुना। तब वचन में लिखा है जब उनको उसमें एक भी उनके लिए मेल नहीं खाया, तब प्रभु ने उनके लिए किसको बना कर दिया? किसको बना कर दिया? हव्वा को, अपना शरीर में से हड्डी निकाल कर बना कर दिया। तो प्रभु ने आदम को परख रहा था कि यह स्वयं चुनेगा या नहीं। आजकल के लोग, आजकल के आदम लोग
यही जानवर में मेरा विचार से वो हाथी को ही चुनेगा, क्योंकि काम करवाने में आसान। हेलो, अट्टा कट्टा ऊंचा पूरा। हेलो, समझ रहा होगा, विश्वासी हो लड़कों लड़कियों, हाथी के समान थोड़ा जोक जिसके पास थोड़ा बहुत रहता है ना, थोड़ा कलर ज़्यादा है, थोड़ा पैसा ज़्यादा है, उन हाथियों के पीछे नहीं जाना। मान लो आदम हाथी को चुन लेता जीवन साथी के रूप में, तो क्या होता, परिवार तो है ना, थोड़ा बहुत अनबन तो होगा, नहीं है। मान लो आगे जाकर हाथी को ये चुन लिया था, आगे जाकर थोड़ा झगड़ा हो गया, गुस्सा तो दोनों को आएगा। हाथी को गुस्सा है तो आदम का क्या हाल होगा, उठाकर क्या कर देगा। कई घरों में यही हो रहा है, उठाकर पटक नहीं हो रहा है, क्यों मालूम, स्वयं चुना है। परमेश्वर परखता है, आदम को परख रहा था, पूरा वो भाव को पढ़े तो मालूम है, उसने जब नहीं चुना तब प्रभु ने उनके लिए क्या कर दिया, बना कर दिया। परमेश्वर हमें कई बार परखता है कि हम वचन के अनुसार खड़ा रहेगा या नहीं। समझौता नहीं होता प्रभु में, वचन के अनुसार कोई समझौता की बात ही नहीं है। दुनिया छोड़े, लोग छोड़े, आज छोड़े, परिवार छोड़े, प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा ही होना चाहिए। यहां जब पौलुस और बरनबास को मालूम हो गया ये लोग हमारी आदर करना चाह रहे, वे उनके बीच में लपका और उनको रोका और कहा यह व्यर्थ है, यह जीवित नहीं है, जीवित परमेश्वर वही है जिसका प्रचार हम कर रहे हैं, उसकी ओर मुड़ो। अर्थात वो कह रहा था जो तुम जानते हो और कह रहे हो कोई ईश्वर है, वो ईश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर नहीं है। अपनी इन व्यर्थ बातों को छोड़कर किसकी ओर मुड़ो, परमेश्वर की ओर। वह गलत है, वह गलत है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे घर में पाए जाने वाले बुजुर्ग लोगों का पैर छूता है कि नहीं, है ना। वह आराधना नहीं है बल्कि क्या है, आदर है। लेकिन तुम पादरी है, 17 साल का लड़का है, 70 साल की बुजुर्ग माँ आकर क्या कर रहे हैं, क्यों छू रहे हैं। तुम्हें आराधना के रूप में देख रहा है, वो गलत है। एक प्रकार से वो आज ये आप ऐसा कर रहा है तो आपको पूरी रीति से रोकना चाहिए वो बातें। मैं फिर से कह रहा हूँ, आदर ठीक है लेकिन आराधना ठीक नहीं है। आदर ठीक है, आराधना ठीक नहीं। कोई भी पादरी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। अरे पैर वही हुआ रहा प्रकार से जो पतरस के साथ हुआ था, पौलुस के साथ हुआ था। लेकिन हमारे समाज में कई संस्कृति, कई 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 संस्कृति मतलब कई रिवाज पर, रिवाज मतलब एक वचन के विरोध का रिवाज नहीं बोल रहा हूं, अच्छा रिवाज कुछ पाए जाते हैं, अच्छा रिवाज हम उसका विरोध करना करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को समझ रहा होगा। लेकिन हो सके जहां ऐसा आपको लगे कि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से उसको दूर करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ नहीं, ये कोई भी अभिषिक्त व्यक्ति क्यों ना हो, उसका पैर छूने का अनुमति परमेश्वर का वचन नहीं देता।
एक अनजान व्यक्ति आकर उनका पैर छुए, मान लीजिए मैं एक पादरी हूँ, जब जब कई बार गांव जाते हैं प्रार्थना करने के लिए आते तो क्या करता है, पहले पैर छूता है। मैं तो उनको बताता हूँ पैर मत छू, यह तो मैं बताता हूँ, लेकिन उसने जो किया उनको नहीं मालूम। लेकिन एक विश्वासी ऐसा करें तो वो क्या है, गलत है वो। तो इनका इनका कर्तव्य है, एक पासवान होने के कारण उनका कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और वो क्या, और क्या सवाल है, क्या पूछ रही थी? हाँ अन्य जाति का पैर क्यों छूना है, वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैंने कहा, वही मैंने कहा। आपका घर में, आपका हमारे संस्कृति के अनुसार घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं, है ना, रिश्तेदारी में आते हैं, एक प्रकार से यदि वे प्रभु में हैं, यदि वे प्रभु में हैं, वे उसको रोकना चाहिए। कौन बुजुर्ग है तो भी कहना चाहिए तुम मेरा पैर मत छू। लेकिन अन्य जाति है, प्रभु को नहीं जानते, उनके साथ क्या करना चाहिए, उसमें एक परेशानी ये होगा। मान लीजिए आप ऐसे एक व्यक्ति, आपके परिवार में या आपके कुटुंब में ऐसा लोग है जो बुजुर्ग लोग, आपके घर में ऐसा रिवाज है कि वो उस व्यक्ति का क्या करता है, उनका वो करते हैं। मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं तो वे लोग क्या बोलेगा, वे लोग क्या बोले, ये ईसाई लोग क्या नहीं करते, आदर नहीं करते, समझ रहे मेरी बात। उस वक्त हम उनकी उनकी उस आदर के रूप में उनको क्या कर सकते हैं वो, लेकिन आराधना नहीं है फिर क्या होना चाहिए, मैंने कहा फिर है आराधना नहीं फिर क्या है, वो आदर का है, आदर के रूप में हम करें वो क्या नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन आप उनकी कहना, सवाल यह है कि उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आएगा कि नहीं, है ना। मान लिया ऐसे एक व्यक्ति जो अन्य जाति का है और आपको, आप कह रहे हैं कि आप उनका पैर छूने से या उनका आदर करने से वो हाथ रखता है तो आपके ऊपर दुष्प्रभाव आएगा कि नहीं। आपको मालूम है वो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित है तो आपको उनका पैर नहीं छूना है, उनका आशीर्वाद भी नहीं लेना है, मेरी बात को समझ रहे क्या? आपको मालूम है, वो कोई भी क्यों ना हो, आपको मालूम है कि वो कौन नहीं है, आपका अपना दादा दादी का कर रहे हैं, वो क्या दुष्टात्मा ग्रसित है क्या? वो हाथ रखकर वो साधारण रूप में दे रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि वो दुष्टात्मा ग्रसित है, वो हाथ रखने से दुष्प्रभाव हो सकता है, उसका पैर छूने नहीं जाना, आपको मालूम है तो। लेकिन आदर के रूप में वो करे तो वह गलत है करके मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हो सके जितना उसको ना करे तो अच्छा है, मेरे बात को समझ रहा होगा, क्योंकि कई बार वो किस्में बदल जाता है, आदर आराधना में बदल जाता है, लेकिन संस्कृति के अनुसार कई बार हम उसको करना पड़ता है, वो गलत है करके भी नहीं कह सकते, लेकिन हो सके तो उसको दूर करे तो अच्छा है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी हो जो दुष्टात्मा ग्रसित है, उसका ऐसा प्रभाव है उनके अंदर, कई लोग जादू टोना करने वाले हैं, ऐसे लोग रहते हैं, उनके पास जाना ही नहीं है, गया तो उसका दुष्टात्मा निकालने के लिए जाना है, या अब यहां पौलुस और शीला, पौलुस और बरनबास इनको उस कार्य करने से रोका। और केवल सवाल पूछो, हाँ सर, क्या हम अपना देश का जयकारा जो लगाते हैं वो लगाते हैं, है? ये तो हमारा देश के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। हम जो हमारा देशीय गान है ना, क्या बोलते हैं वो, नहीं गाता है क्या, राष्ट्रगान, वो गाना चाहिए, वो गलत नहीं है। हम इस भारत में रह रहा है, ये हमारा फर्ज बनता है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, उसका प्रतीक है वो गाना, क्या नहीं है, गलत नहीं है। वो नहीं गाना है तो फिर आपको यहां से जाना पड़ेगा, वो गलत नहीं है। लेकिन अन्य जाति आराधना संबंधित कोई स्लोगन गाने के लिए कहे
तो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। समझ रहे ना मेरी बात? मेरी बात को पौलुस और शीलास वहाँ उनको उस आराधना से रोका और कहा जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ो और इन व्यर्थ बातों से अलग हो जाओ। उसने कहा यह पूरा क्या है? व्यर्थ बात है, ये सारी क्या है? व्यर्थ बात है, इनसे दूर हो जाओ और परमेश्वर की ओर फिरो। और वह जीवित है परमेश्वर कौन है वो आगे कह रहे हैं, इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित है परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। कह रहे हैं जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। जीवित परमेश्वर कौन है? जिसने आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें पाए जाते हैं उन सबको जिसने बनाया उसकी ओर फिरो। कौन बनाया उसको? कौन बनाया? हमारा परमेश्वर बनाया, प्रभु यीशु ने बनाया, उसकी ओर फिरो कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कौन नहीं है? ईश्वर नहीं है। चला 16 पद, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। मतलब पिछले दिनों में सब जाति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चला, प्रभु ने उसको देखा, चलने दिया। मतलब परमेश्वर उनको ऐसा ही तुम जाओ करके नहीं कहा, प्रभु वे लोग ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार चलने के बावजूद उनको क्या दिया? तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और भलवंद ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। मतलब क्या कार्य है? तुम जीवित परमेश्वर को ना जानने के बावजूद वह परमेश्वर तुम्हारे साथ भलाई किया। क्या भलाई किया? वो तुमको वर्षा दिया जिसके कारण तुम्हारा खेत में भोजन वस्तु आया, तू जीवित रहा। क्यों? तुम उसके अनुसार नहीं चला, अपने इच्छा के अनुसार चला, तो भी वह तुम्हारे साथ क्या किया है? भलाई किया है। आज भी प्रभु ऐसा ही करता है? नहीं करता है क्या? हेलो, केवल विश्वासियों के घर के ऊपर या खेत में ही पानी गिरता है क्या? है जीवित परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आप ही जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ऐसा तो अनुग्रह आपको ही मिलना चाहिए, ऐसा तो बरसात आपको और आपके खेत को मिलना चाहिए, पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं है, वही अहंकार है। प्रभु सबको भोजन वस्तु दिया
उनको प्रभु अनुग्रह दिया, जबकि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे तो भी वो उन्हें उनको वो मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। 18, यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। ये सब बोल बोल कर बहुत जबरदस्ती करके उनको क्या किया है, रोका, क्योंकि वह रोकने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि मैंने कहा वे समझते थे कि उनके बीच में उनका ईश्वर आया है, वह कभी जाने ना दें, क्योंकि भले जो हुआ है वह ऐसा ना हो। इसलिए वह ईश्वर है उनका, जुपिटर और मर्कुरी जो ईश्वर है उनका, ज्यूस और हिरमेस वे है कहकर उनकी आराधना करने के लिए कोशिश कर रहा था। पौलुस और बरनबास बहुत मेहनत करके उनको ऐसा करने से कठिनाई से रोका, परंतु कुछ यहूदियों ने अंधा किया और इकुनियुम में से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मारा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। देखो यहाँ तो प्रभु का काम तो हो रहा था, लंगड़ा भी चंगा हो गया, लेकिन अंधा किया, कौन सा अंधा किया, फिसिदिया का अंधा किया और इकुनियुम, इन दोनों जगह में इनके विरोध में बात ही हुई थी। वहां से यहूदी लोग आया, यहां जो लोग है उनको अपनी ओर कर लिया और इनके ऊपर क्या करवाया, पथराव कर दिया। और लिखा है परंतु कुछ यहूद ने अंधा किया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। यहाँ केवल पतरस ही, पौलुस ही था क्या, बरनबास नहीं था क्या? तो बरनबास के ऊपर पथराव क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रचार और चंगा करने का काम कौन किया था, पौलुस किया था, इसलिए उसके ऊपर क्या किया, पथराव किया। हेलो, कौन है ये लोग? कुछ समय पहले माला लेकर आया था, कुछ समय पहले बैल लेकर आया था, बोला कौन आया है, देवता आया है। उस समय फूल लेकर आया, अभी हाथ में क्या है, पत्थर है। हेलो, उस समय फूल चढ़ाने के लिए आया, अभी किस लिए आया, पत्थरवा करने के लिए। याद रखना, यह दुनिया की किसी भी बात पर कभी भरोसा नहीं करना। आज तारीफ करेगा, कल तेरा अपमान करेगा। हेलो, आज तू देवता है बोलेगा, कल तुम पर पथराव करेगा। दुनिया की ओर से दी जाने वाली किसी भी आदर पर, सम्मान पर भरोसा ना करें, वे कभी भी क्या हो सकता है, पलट सकता है। लेकिन हर वक्त हमारे साथ रहने वाला एक ही है, वो हमारा प्रभु है, हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। बोलो, पथरवा किया किस पर, पौलुस पर, और मारा समझकर घसीट कर कहाँ लेकर गया, बाहर ले जाकर छोड़ दिया। इसका मतलब एक प्रकार से वो क्या हो चुका था, मारा समझा मतलब पथरवा कर दिया, आकर पल्स वाला चेक किया होगा, बोला ये खत्म, खत्म है तो लाश कहाँ नहीं रहना चाहिए, सिटी के अंदर नहीं आना चाहिए, उसको पकड़ का घसीट कर बाहर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि सोचा वो क्या हो गया, मर गया। कुछ विद्वान का अभिप्राय में प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में 12 अध्याय में वो कहता है, मैं 14 साल पहले तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया था, कहता है देह सहित या देह रहित मैं नहीं जानता, ये बातें कहते हैं। कुछ विद्वान का अभिप्राय में ये उस दिन की बात है बोल रहा है, कौन सा, यहां जब उसको पत्थरवा करके मार डाला तो पतरस पौलुस जो है वो मरी गया और उसकी आत्मा कहाँ गया, तीसरा स्वर्ग पर गया और प्रभु उनसे बातें किया। कुछ लोग कहते हैं लेकिन वो उतना सटीक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस जब कहते हैं वो क्या कहते हैं,
मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष पहले वह तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, और आगे कहते हैं देह सहित या देह रहित मैं नहीं जानता। किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने के बारे में, पौलुस अपने बारे में बोल रहे हैं। वहां भी पौलुस अपना नाम मैं नहीं बता रहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। कौन स्वयं कौन था? पौलुस। लेकिन वो यहां हुई घटना नहीं है। क्यों? यहां पौलुस, मान लीजिए यहां मरने के बाद पौलुस तीसरा स्वर्ग पर गया है, उसका शरीर कहां है? लुस्त्रा में पड़ा है ना? नहीं है। शरीर कहां पड़ा है? लुस्त्रा में पड़ा है। तो वापस आया तो उसको पता तो चलेगा मैं किसमें था। स्वर्ग गया था, वापस कहां आया? अपना उस शरीर में जो लो मारा था उसमें आया। लेकिन पौलुस कुरिन्थी के पत्र में वो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं जानता कि देह सहित या देह रहित। इसका मतलब पौलुस के साथ वो घटना होते वक्त पौलुस अकेला था। पौलुस व्यक्तिगत रूप में कहीं बैठकर प्रार्थना कर रहे होंगे, कोई उनके साथ नहीं था। उस वक्त वो प्रभु में परमेश्वर की आत्मा ने उसको कहां लेकर गया? कहां लेकर गया? तीसरा स्वर्ग पर। मेरा अभिप्राय है, बाइबल में नहीं, मेरा अभिप्राय है पौलुस उस वक्त देह सहित गया होगा। कारण पौलुस यदि भी कह रहा देह सहित या देह रहित नहीं जानता। मान लीजिए पौलुस अपना देह यहां छोड़कर उसकी आत्मा कहां गया? स्वर्ग गया। तो वो छोड़कर जा रहा है, उसको पता नहीं चलेगा क्या? पता नहीं चलेगा? चलेगा। और वापस आकर शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी पता नहीं चलेगा क्या? चलेगा। लेकिन हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं हो सकता है पौलुस उस वक्त देह सहित ही कहां गया होगा? तीसरा स्वर्ग पर उठल। तीसरा स्वर्ग जो गए हैं वो परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग नहीं है। उसके बारे में मूल भाषा में जो तीसरा स्वर्ग जो लिखा है वो एक 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 अरब शब्द है। अरब शब्द, अरब शब्द में अरब राजा लोग, उनके कई बगीचे पाए जाते थे, कई कई बगीचा। उसमें से कुछ ऐसे बगीचे हैं विशेष रूप से बनाए जाते हैं। उस बगीचे में मान लीजिए राजा अकेला एक व्यक्ति को, अकेला एक व्यक्ति को इतनी एक कॉन्फिडेंशियल बात, एक एक रहस्य की बात बताना चाहता है, केवल उसके अलावा कोई उस बात को ना जाने। तो राजा क्या करेगा, उस व्यक्ति को लेकर उस बगीचे में जाएगा और उनको उस बात को कहकर वहां से उनको वापस अपने स्थान में छोड़ता। उस बगीचे के लिए जो शब्द उपयोग करता वही शब्द वो तीसरा शब्द के लिए उपयोग किया गया। अर्थ यही है, परमेश्वर पौलुस से कुछ विशेष बात कहना चाहता था, जिसके स्थान, जिसके कारण स्वर्गीय स्थानों में पाए जाने वाली एक विशेष जगह पर पौलुस को बुलाया और पौलुस को अकेला उस बात को कहा। उसके बारे में कहा, पौलुस कह रहे हैं जो मैंने सुना उसको अपने होठों में लेना उचित नहीं है। ऐसा क्यों बोला? प्रभु ने बोला यह किसी को मत बोलना। ऐसा कोई रहस्य की बातें पौलुस को प्रभु ने बोला था। तो उस वक्त हो सकता है, मेरा अनुमान है पौलुस देह सहित तीसरे स्वर्ग पर गए होंगे। ऐसा है तो ये जगह जहाँ लुस्त्रा में वो मरा समझकर जब लोग छोड़ दिया, उस वक्त नहीं हो सकता है। और पौलुस जब उनके ऊपर पथराव किया गया और मतलब हाँ पता चलेगा, क्यों नहीं पता नहीं चलेगा? हाँ जरूर पता चलेगा। जितने लोग मरने के बाद जी उठा है, जितने लोग मरने के बाद जी उठा है उसका हिस्ट्री पढ़ कर देखें। वह कहता है मैं अपने शरीर में से क्या हो गया, बाहर निकला, मैंने देखा मेरे लोग रो रहे हैं, मेरा शरीर वहां पड़ा है और मैं कहां गया, स्वर्गदूत या कोई आकर मुझे फलाना जगह पर लेकर गया और वापस में आया और शरीर में क्या किया,
प्रवेश किया, वो जान सकते हैं, वो जान सकते हैं शरीर से अलग। हम अपने शरीर से अलग होकर स्वर्ग जाने के लिए निकलेगा ना, तब भी आपको मालूम है मैं अपने शरीर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, शरीर वहां पड़ा है, ये सब हमको मालूम होगा। यद्यपि निकल कर तुरंत कहा क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, स्वर्ग तो हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, फिर भी हमें पता चलेगा मेरा शरीर मैंने वहां क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो हमें पता ही चलेगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मैंने कहा यदि पौलुस जो तीसरा स्वर्ग पर उठा लिया गया था वो देह रहित था तो जरूर उनको मालूम होता, तो हो सकता है कैसे गया होगा देह सहित, लेकिन पौलुस उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए उसने कहा देह सहित या देह रहित मुझे नहीं मालूम, मैं कहां पहुंचा, तीसरे स्वर्ग पर पहुंचा। तो मेरा अनुमान है कि वो देह सहित ही कहां गया होगा, तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया था। तो पौलुस से यहां पौलुस के ऊपर पथराव किया गया और उसका वो मरा समझकर उनको घसीट कर उनको नगर के बाहर ले गए। 20वां पद में लिखा है पर जब चेले उसके चारों ओर आंख खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरा दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। हेलो, पौलुस के ऊपर क्या हो गया, पथरवाह हो गया, मरा समझकर घसीट कर कहां लेकर छोड़ दिया, नगर के बाहर। लिखा है चेले लोग उसके चारों तरफ खड़े होकर क्या करने लगा, कौन सा चेले, पौलुस के द्वारा लुस्त्रा में प्रभु में आए हुए विश्वासी। कितना साल हो गया वहां पौलुस आकर, कितना साल हो गया, बहुत साल हो गया है क्या, नहीं है, कुछ ही दिन हुआ है। पौलुस लुस्त्रा में आकर सुसमाचार सुनाकर प्रभु में आए विश्वासी लोग, कितना दिन हुआ, ज्यादा नहीं, ज्यादा एक दो महीना हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा। वे लोग पौलुस के लिए क्या किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया तो पौलुस क्या हो गया, जो मरा समझ गया तो वो क्या हो गया, उठकर खड़ा हो गया और चंगा हो गया, क्या पूर्ण चंगाई। पत्थरवा होते वक्त शरीर में घाव नहीं होता है क्या, नहीं होता है क्या, हैं, पूरा लहू लुहान हुआ था, लेकिन जब विश्वासी, कौन सा विश्वासी, नया विश्वासी, अभी अभी प्रभु में आए हुए विश्वासी चेले लोग प्रार्थना किया, पौलुस चंगा हो गया। चंगाई इतना जबरदस्त था, अगले दिन वो कहां पहुंच गया, दिरबे में पहुंच गया, वहां प्रचार करने लगा। कल क्या था, मरा समझकर कहां लेकर गया था, नगर के बाहर लोग छोड़ दिया था, लेकिन जब विश्वासी प्रार्थना किया पौलुस क्या हो गया, चंगा हो गया। हेलो, ऐसा चंगाई कि अगले दिन वो दिरबे में गया और परमेश्वर की वचन की सेवा करने लगा। इसका मतलब नया विश्वासी भी विश्वास से प्रार्थना करे तो आश्चर्य कर्म होगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम क्या सोचते हैं, पुराना प्रभु में, बहुत पुराना व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो कुछ होगा, नहीं है। कल प्रभु में आया था, आज प्रार्थना करने से भी प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। केवल हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और वो अगले दिन दरबार में चले गए, पर चले उसके चारों ओर आंख खड़े हुए तो वह उठकर नगर में आ गया, नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चले गया। पढ़िए किस पद से, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तब पिसदिया से होते हुए वे पंफूलिया पहुँचे, फिर पिर्गा में वचन सुनाकर अतालिया में आए
और वहाँ से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उसके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। या वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाया। कौन से नगर के लोगों को? हेलो, कौन से नगर के लोगों को? दिर्बे नगर के लोगों को क्या सुनाया? वचन सुनाया, और सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा, इकनियम और अंदाकिया को लौट गए। देखिए, पहले यहीं से होकर आया था यहाँ, नहीं है? नहीं है क्या? अंदाकिया में वहाँ से वचन सुनाया, उसके बाद कहाँ पहुँचा? इकनियम में पहुँचा, वहाँ से भी भगाया। हर जगह से क्या कर रहा था? भगा रहा था ना। आखिर में कहाँ पहुँचा? है लुस्त्रा में पहुँचा। लुस्त्रा में पहुँचने के बाद वापस कहाँ पहुँच गया? दिर्बे पहुँच गया। दिर्बे पहुँचकर फिर वापस जहाँ से आया था वहाँ गया। भगाया नहीं था क्या वहाँ? भगाया था, लेकिन डर नहीं है क्योंकि प्रभु उनके साथ है। इसलिए वे उन लोगों में जो इनके ये लोग आते वक्त सुसमाचार सुनाकर कलीसियाएं स्थापित की थी, उन कलीसियाओं में वापस जा रहे हैं। वापस जाकर उनको फिर से वचन सुनाकर उन्हें स्थिर कर रहे हैं। इकुनियम को और अंदाकिया को लौट गए। कौन सा अंदाकिया? ये फिसिदिया का अंदाकिया तक आ गए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जो कलीसियाएं स्थापित किया था उन कलीसियों से फिर से वापस आ रहे हैं। उन सबको वचन सुनाकर उन्हें मजबूत किया, लेकिन यह भी बोला हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में। हेलो विश्वासियों को क्या बोला? हमें क्या उठाना पड़ेगा? क्या उठाना पड़ेगा? क्लेश उठाना पड़ेगा। हम विश्वासियों को क्या बोलता है? हैं, तुम्हारा सारा क्लेश क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। पौलुस विश्वासियों को क्या बोला? क्लेश उठा कर कहाँ जाना है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो क्लेश उठाना पड़ेगा, और क्लेश उठा रहा है तो याद रखना आप सही रास्ते में हैं। नहीं समझा? हेलो, हमें ऐसे बड़े क्लेशों से होकर कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँचना है? परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में पहुँचना है। इसका मतलब रास्ता सही है तो उसमें क्या होगा? क्लेश होगा। इसका मतलब क्लेश आपके जीवन में है तो समझ लेना आप सही रास्ते में हैं। क्लेश नहीं है तो कहीं कहीं क्या हो गया है? भटक गया, वापस आ जाना। प्रभु में यदि आप बने रहेगा और ये दुनिया में आप रहेगा, जरूर क्लेश होगा, लेकिन ये क्लेश में भी हम अकेला नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वासियों को इस बातों को समझाना पड़ेगा, आपको क्लेश से होकर गुजरना। हेलो, एक बार एक विश्वासी जाकर आत्महत्या कर लिया, तब उसका बाजू में एक पादरी है, वो पादरी उस कलीसिया के पादरी को बोला, वो लेडी मरने के कारण तू है, बोला। है क्या बोला? वो बहन मरने के कारण तू है। ये पादरी डर गया, बोला मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो उसके साथ कुछ किया नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हैं मैंने, मेरे कारण वो मर गई है? उसने बोला तेरे कारण ही मरा है। क्यों? क्योंकि तू वो विश्वासी को ये नहीं सिखाया मसीह जीवन में क्या आएंगे, कष्ट और क्लेश आएगा। तू क्या बोला? प्रभु तुमको आशीष देगा, तेरा जीवन में आशीष ही आशीष ही आशीष ही रहेगा। वो सोची तो आशीष ही मिलेगी, लेकिन मिला क्या है? क्लेश। इसलिए वो क्लेश का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण अपना जान दे दिया। हेलो,
मसीह जीवन यह नहीं सोचना कि वो फूलों के ऊपर का जिंदगी है, नहीं है, कांटे भरे हुए रास्ता है ये, क्लेश से होकर स्वर्ग में प्रवेश करना है। हे प्रभु, जरूर प्रभु में चंगा करता है, छुटकारा देता है, हमारी जीवन को जरूर जीवन की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन ये ही नहीं मसीह जीवन। मसीह जीवन में कष्ट और क्लेश की भी सहना पड़ेगा, पर उसका हमें ऐसे बड़े क्लेशों से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है कहकर उन्हें हिम्मत और हियाव देता रहा। हमें बड़े क्लेश से उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। 23 पद, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। अब पौलुस और बरनबास जिन कलीसियाओं को स्थापित किया था उन कलीसियाओं में वापस आ रहे हैं। आखिरी में वो लुस्त्रा पहुंचा, वहाँ से दर्बे आया, दर्बे से वापस इकनियम, ऐसे होते अंदाकिया आया। उन सारे प्रांत में केवल जो नाम लिया उतना ही कलीसिया नहीं, एक शहर में कई कलीसिया हैं। उन सारे कलीसियाओं में गया और प्राचीनों को ठहराया, अर्थात कलीसिया की अगुवाई करने के लिए लोगों को ठहराया, और उनके साथ उपवास और प्रार्थना किया, और उन्हें हिम्मत और हियाव देते हुए वे लोग वापस यात्रा करके जा रहे हैं, और जो विश्वास किया था उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपा। 24वां पद, तब पिसिदिया से होते हुए पंफुलिया पहुंचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अतलिया में आए, और वहां से जहाज पर अंदाकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। हेलो लो सर बरनबास यात्राएं करके आखिर में लुस्त्रा और दर्बे तक जाकर फिर वहां से वापस जहां कलीसिया स्थापित किया था उन कलीसियाओं में सुसमाचार सुनाकर आखिर में कहां पहुंच गया? सीरिया का अंदाकिया, जिस कलीसिया उनको प्रार्थना करके भेजा उनके पास वापस आया। हेलो, ये लो निकलकर वापस आते समय कितना दिन हो गया था? कम से कम 2 साल हो गया। यहाँ से जाने के बाद भी 2 साल के बाद पौलुस और बरनबास वापस आ रहे हैं। वह पूरा गलातिया का प्रांत उस एरिया में मसीह का वचन सुना दिया था। 27वां पद, वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। जब वे अंदाकिया में आया कलीसिया को खबर दे दिया हम आ गए। जब कलीसिया इकट्ठा हुआ तब 2 साल में परमेश्वर उनके साथ रहकर क्या क्या किया था वह सारी बातों का वर्णन कर दिया, और प्रभु कितने आश्चर्य कर्म वारा किया उन सारी बातों का वर्णन कलीसिया को दिया। इसका मतलब जिस कलीसिया उनको भेजा उस कलीसिया को रिपोर्ट दे दिया। हेलो, जिस कलीसिया उनको भेजा उस कलीसिया को क्या दिया? रिपोर्ट दिया हमारी सेवा कैसे था। उसके बाद उनके साथ बहुत दिन तक अंदाकिया में रहा है, अर्थात जिस कलीसिया उनको भेजा उस कलीसिया के सामने प्रभु कैसे उनको इस्तेमाल किया इन बातों को बता दिया, ताकि कलीसिया प्रभु में आनंदित हो जाए। पौलुस और बरनबास को जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने अलग किया था वो कार्य करके वे आनंद के साथ वापस आया। यद्यपि रास्ता आरामदायक नहीं था, पौलुस मर गया भी सोचा था, लेकिन पौलुस के प्रति परमेश्वर की योजना बाकी था, इसलिए आज भी वो जीवित है। इसलिए वो वापस आया अंदाकिया में, ताकि कलीसिया के सामने प्रभु उनके साथ रहकर कैसे काम किया उस बात का वर्णन वो कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष